2019 के 11 दिसंबर को खवासा वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक R332 में बाघिन T19 का शव दिखाई देने से मध्य प्रदेश के वन विभाग में खलबली मच गई है। इस मामले की जांच के बाद जिले के दक्षिण सामान्य वन मंडल के अधिकारियों ने इस घटना को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। श्रमिक ने वन अधिकारियों को बताया है कि बाघिन का शव देवलापार रेंज से लाकर मध्य प्रदेश के खवासा रेंज में फेंका गया है। वन श्रमिक के इस बयान से नागपुर डिवीजन के विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। बाघिन T19 यह पर्यटकों में काफी चर्चित थी। घटना के कुछ दिन पहले मृतक बाघिन की लोकेशन महाराष्ट्र के देवलापार रेंज के लोधा करवई माने गांव सीतापार और पिंड के पार गांव की थी। 11 दिसंबर को इसका शव मध्य प्रदेश के खवासा रेंज में दिखाई दिया। इस मामले की जांच कर विभाग ने महाराष्ट्र के देवलापार वन परिक्षेत्र के सुरक्षा श्रमिक धामसिया खंडाते को गिरफ्तार किया। शनिवार को आरोपी धामसिया खंडाते को न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। वन अधिकारियों द्वारा कड़ी पूछताछ करने के बाद खंडाते ने बताया कि देवलापार रेंज में 10 दिसंबर को बाघिन की मौत हो गई थी। इसके बाद देवलापार से मृत बाघिन का शव बैलगाड़ी से खवासा बीट में लाकर फेंका गया। शव को खवासा रेंज में फेंकने के आदेश देवलापार के RO खान ने दिए थे। अन्य श्रमिकों और करवाई गांव निवासी लक्ष्मण टेकाम की बैलगाड़ी पर शव को रखकर खवासा रेंज में लाया गया। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे।